सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। देश में आए दिन निर्मम तरीके से हत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले दिल्ली में हुए सिद्धावालकर हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, वहीं अब मुंबई में भी ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। मीरा भयंदर इलाके में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को बेरहमी से मार दिया, फिर उसने युवती की लाश को धारदार हथियार से काटा। इतना ही नहीं, दरिंदे ने लाश से बदबू को मिटाने के लिए टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। लेकिन इन निर्मम हत्याओं में केवल पुरुष ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ महिलाएं भी सीरियल किलिंग की दुनिया में मौत का दूसरा नाम बन चुकी हैं। ऐसा ही एक नाम था केडी केम्पम्मा का। यह खुद एक महिला होकर महिलाओं की मौत का सौदागर बन चुकी थी। केडी केम्पम्मा नाम की महिला की आंखों में केवल दिन रात अमीर बनने का ख्वाब था। आंखों में अमीरी के सपनों ने इस महिला को भारत की पहली महिला सीरियल किलर बना दिया था। इस महिला ने केवल अमीर महिलाओं को अपना निशाना बनाया था। यह इतनी चलाकी से हत्याओं को अंजाम देती थी कि उसने 8 सालों में 6 महिलाओं की हत्या की और किसी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। केडी केम्पम्मा नाम की महिला ने इंसान तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ा। यह भगवान के चरणों में ही सीरियल किलिंग करती थी। कर्नाटक में रहने वाली और भारत की पहली महिला किलर को साइनाइड मलिका के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि क्रूर कृत्य के कारण केम्पम्मा को साइनाइड मलिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह साइनाइड मिलाकर ही हत्याओं को अंजाम देती थी। आज से 25 साल पहले साइनाइड मलिका ने पूरे बेंगलुरु में हड़कंप मचा दिया था। महिलाओं को घेरों से बाहर जाने में भी डर लगने लगा था। वह सोचती थी कि कहीं अगला निशाना वो न बन जाए। कर्नाटक में रहने वाली साइनाइड मलिका बेंगलुरु के एक मंदिर में रहती थी और इसने मंदिर को ही अपने पापों का घर बना लिया था। यह मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी। यह खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त मानती थी। केम्पम्मा ये भी दावा करती है कि मंदिर में ले जाकर ये महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। यह उन महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी जो घर परिवार नौकरी और बच्चा न होने से दुखी थी। ऐसी महिलाएं अक्सर जाल में फंस जाती हैं। साइनाइड मलिका महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि उसके पास वो साधन है जिसकी बदौलत वह उनकी जिंदगी में सुख ला देगी। उसके ऐसे चमत्कारिक दावों के कारण महिलाएं आसानी से उसकी शिकार बन जाती थी। अब शुरू होता है सीरियल किलिंग का सिलसिला। आंखों में अमीरी के ख्वाब और सामने है दुखी अमीर महिलाएं। ये उन महिलाओं की तरह अमीर बनना चाहती थी और यहीं से इसके सातिर दिमाग में ऐसे खौफनाक अपराध करने ने जन्म लिया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह महिला इतनी सातिर थी, उससे कहीं ज्यादा इसके प्लान सातिर होते थे। यह मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं से मिलती जुलती और उनके दुखों के बारे में जानकारी प्राप्त करती। ये उन्हें भगवान के चमत्कार की कहानियां सुनाती और उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके कष्टों को दूर करने की बात करती। दुखी महिला इस फरेबी महिला के झांसे में आ जाती थी। यह उन्हें एक शख्स अनुष्ठान के लिए सुनसान जगह पर बुलाती। वहीं महिलाओं को पूरे गहनों को पहनाकर आने के लिए कहती। यह अनुष्ठान के लिए यह तो एकदम सुबह का वक्त चुनती या फिर रात का समय चुनती थी, जिससे किसी को भी इस पर शक ना हो। महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए पहले मंदिर में पूजा पाठ करती थी, फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाती थी। वहाँ ले जाने के बाद यह अनुष्ठान करती थी, फिर महिला को आंख बंद करने के लिए कहती थी। इसी दौरान ये महिलाओं के प्रसाद में साइनाइड मिलाती और फिर उस महिला को दे देती। साइनाइड मिले हुए प्रसाद को खाने के बाद मौके पर ही महिला की मौत हो जाती। उसके बाद ये महिला के शव पर पहने हुए एक एक गहनों और पैसों को लेकर फरार हो जाती थी। साइनाइड मलिका ने 1999 में बेंगलुरु की रहने वाली ममता राजन को अपना पहला शिकार बनाया था। महिला ने चिकनी चुपड़ी बातें की और दुखों को कम करने के नाम पर फरेब धार्मिक अनुष्ठान और प्रसाद में साइनाइड मिलाकर उसकी हत्या कर दी। इसी साल ने इसने 5 अमीर महिलाओं की हत्या कर दी थी। कर्नाटक की महिला खौफ में रहने लगी थी क्योंकि आए दिन खबरों में अमीर महिलाओं की मौत की खबरें छपती, लेकिन कातिल कौन है ये बेनकाब नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने अपने प्लान चेंज किए। पुलिस को इस पर शक ना हो, इसीलिए अब उसने कुछ सालों तक हत्या नहीं की और यह अमीर घरों में जाकर साफ सफाई करने का काम करने लगी। एक घर में यह चोरी करते पकड़ी गई थी, जिसके बाद इसे 6 महीने की जेल में सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद इसके अमीर बनने के ख्वाब ने एक फिर तूल पकड़ लिया और इसने हत्यारों का वही पुराना पैतरा
अपनाया। 5 कत्ल करने के बाद इसने साल 2006 में बड़ी घटना को अंजाम दिया। साइनाइड मिल्खा ने इस बार बेंगलुरु की रहने वाली नागवेड़ी नाम की एक बेहद अमीर महिला को अपना निशाना बनाया। नागवेड़ी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह आसानी से इस फरेबी महिला के जाल में फंस गई। उसी पुराने अंदाज में केम्पम्मा ने पूजा पाठ और एक शख्स साधना करवाने के लिए इस महिला को भी सुनसान इलाके में ले जाकर साइनाइड दे दिया। इस बार की हत्या से फिर से महिलाओं में खौफ पैदा हो गया। पुलिस ने अब पूरा फोकस साइनाइड पर किया और उन्होंने सभी पुरानी फाइलें खोली और फिर सभी कड़ी को एक दूसरे से जोड़ते हुए मामले की परख की। पुलिस को पता चल गया कि किलिंग का तरीका पहले भी यही था और अब भी यही है। वहीं उन्होंने यह भी पाया कि सभी हत्याएं लूट के इरादे से की गई हैं। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ते हुए साइनाइड मलिका तक पहुंच गई और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। केडी केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मलिका के पास अपने गुनाहों को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने पुलिस कस्टडी में कबूल किया कि उसने 8 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर दिया था। ये महिला अमीर बनना चाहती थी, ये उन महिलाओं की तरह ही दिखना चाहती थी और इसलिए इसने यह खौफनाक रास्ता चुना। 2012 में अदालत ने सजा ए मौत दी, हालांकि बाद में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अब ये बेंगलुरु की जेल में सजा काट रही है। खबरी चौकट की रिपोर्ट।